बिलाल भाई इस बार नाल ना सुनारे आंगर डील करना है, लोहार आंगरा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। बहुत ही अच्छी खुशखबरी एक आपके साथ शेयर करना थी। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा हमारी सैड न्यूज़, मोबाइल जो है गिरा के बच्चे ने तोड़ दिया था। अभी तक हम मोबाइल शॉप पे नहीं जा सके इसको रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन सुबह सुबह हमारे लिए ये खुशखबरी है, इंटरनेट केबल जो है वो लग रही है हमारे। ये नहीं, अब सेलुलर सर्विस नहीं बल्कि जो है वो लैंडलाइन टाइप की सिस्टम हमारे पास लगेगा। फाइबर केबल आई हुई है गांव में, तो केबल लगवा रहे हैं इंटरनेट की। हम भी केबल आ चुकी है और यहाँ करवाया जा रहा है कनेक्शन। इतनी लेट क्यों ख्याल आया आपके माइंड में ये? असल में ना ये फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन जो है थोड़े दिन पहले से चालू हुआ है। सही, तो मैंने कहा अभी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई, तेज इंटरनेट आ गया तो तेज काम होना चाहिए। अजमल साहब पबजी खेलते हैं, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये तो मुझे लग गई है यार। तो भाई जो है वो कर रहे हैं कनेक्शन, काफी खुली और स्ट्रांग टाइप की केबल है। दूसरी इंटरनेट केबल की तरह ये मेरा नहीं ख्याल के ख़राब होती होगी जैसे दूसरी इंटरनेट केबल जो है वो ख़राब होती है। ये छोटे भाई हैं जो कनेक्शन कर रहे हैं। छोटे भाई सलाम अलैकुम, क्या नाम क्या आपका? अली। अली भाई, तो इन्हीं से पहले भी हमारा कनेक्शन जो है वो चल रहा था, वो ज़रा बीम और दूसरा टाइप का कनेक्शन था। ये फाइबर कनेक्शन है तो ये ज़रा ज़्यादा स्पीड वाला होता है। इन दोनों में जो मुवाजना है वो भी अली भाई जो वही बताएंगे आपको, और वो दूसरा कनेक्शन भी आपको छत पर चल के बताते हैं। अली भाई मेरे वाला काम कर रहे हैं, काम तो वो भाई कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं अली भाई। ये खुल गई जी पटारी, काफ़ी न्यू किस्म का गैजेट है जो मैं आज पहली दफ़ा देख रहा हूँ केबल कनेक्शन के लिए। डॉक्टरों की तरह जो है वो सिस्टम रखा हुआ है इसमें, छोटी छोटी ट्यूब्स और इंजेक्शन वगैरह। नहीं जी तो ये देख लें, इसका कनेक्शन टोटली मशीनी है, हाथ वाला काम कोई नहीं इसमें। अपलोडिंग बहुत ज़्यादा है। फ्लूइड भी है था इसमें। और ये वो सारी वायर है जिसने इंटरनेट चलाना है, और क्या कह रहे हैं इसके अंदर भी है अभी, इसके अंदर है जिसने चलाना है जी, इसके अंदर साफ लगा ली। ये है जी हमारी सारी स्पीड इंटरनेट की, ये भी दो है ना, भी सिंगल करनी पड़ेगी। सही, इतना बारीक काम है इसीलिए इतनी सारी मशीन। उत्तरी है अभी, इसके अंदर भी एक है, अभी इसके अंदर भी एक है। वाह, काफी इंटरेस्टिंग काम है ये यार। काफी हसास टाइप का काम है, काफी एहतियात से कर रहे हैं भाई। अली भाई और बिलाल भाई की काविशें, अब देखते हैं हमारे इंटरनेट की स्पीड कितनी बनती है। इंटरनेट की स्पीड वही, वो कहते हैं ना जिन्ना गुड़ पाइए उतना ही मीठा होता है, ऐसी बात। जिन्ना बिल दो लोगे उतनी स्पीड तेज हो जाएगी। टिप कार्ड चाहिए, अली कार्ड हटाई कोड थल ले आंदा नहीं हुंदा, नु कुछ नहीं हुंदा, हां प्रेशर बना दे, प्रेशर नहीं होएगा ना, टेंशन नहीं है। अच्छा तू कार्ड पास तो कोड ही के प्यार ना, प्यार नाल ये होगी जी मशीन ऑन, वाओ डिस्प्ले भी। वाह, इसको साफ भी करना है और वो भी अल्कोहल स्वैप से। वाह, पूरे ऑपरेशन वाला काम है ये तो। ये साढ़े वाली वायर जिन्हें बिल्कुल साफ सुथरी रखी हुई ताकि साढ़ा कनेक्शन जरा ना रवा रहे। जिदा तुम एहतियात ना काम कर रहे हो टेंशन तो ऑटोमेटिक हो ही जा रही। वो
वाह, एक मशीन से गुजारने के बाद अब दूसरी मशीन की बारी। चेक करने के लिए सर्विस की जा रही है। ड्रोन जोड़ी, ड्रोन जोर लग रही है, ब्लू जोड़ी। ये बाल से भी बारीक है वायर, जिसके अंदर से इंटरनेट सर्विस हमें बहाल होगी। इसे कहते हैं फाइबर ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फाइबर करेक्शन। अच्छा, ये कटर है सिर्फ? जी, ये अड्डा हैवी कटर है। हम तो अब तक वायर कटर की शक्ल में इसे ही जानते थे ना, ये भी होता है। ये है कनेक्शन, आंखों से ओझल करके कनेक्शन होगा। मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। एक ही दफा मैं सीख जाऊँ। और कनेक्शन को, वाह, इतना ज़्यादा गैप था पहले और ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया गैप। गैप क्यों ख़त्म हो गया? मशीन ने किया गैप ख़त्म, जोड़ लग गया ना, जॉइंट हो गया। वो आपस में एक दूसरे को खींच के या किस वजह, किस तरह जोड़ खत्म? हीट से। वाह, ये तो वाकई जादू है। तकरीबन इतना गैप था वायर्स के दरमियान मशीन के अंदर, बस एक जादू हुआ, वो आपस में बिल्कुल जुड़ गया। क्या बात। और अब ये प्लास्टिक कवर जो चढ़ाया था ऊपर, वो इसके ऊपर मोल्ड हो रहा है एयर टाइट। तो वाकई कोई जादू की पटारी है ये। गर्म भी है जी, गर्म। ओ वाकई, वो वायर काट के मरोड़ी देने वाला जमाना गया, अब चेंज हो गया जमाना। मुंह छुपा के छेल के मरोड़ी देगा अब नहीं। वायर को कनेक्शन के लिए इतनी सारी चीज़ें जो है वो साथ में एक्स्ट्रा लानी पड़ती हैं, सिर्फ एक कनेक्शन देना था। वरना पहले जो इंटरनेट सर्विसेज और केबल वगैरह चलती है वो आपको पता है, एक प्लास और एक पेज का सही होता है, बस पकड़ो छीलो और ये पार। अब इसके लिए ये तकरीबन 20-25 किलो का बॉक्स उठाना पड़ता है जवानों को, जो कि इंतहाई एहतियात से भी रखना पड़ता है। एक वायर जो है वो अगर खराब हो जाती है तो दूसरी को यूज किया जाएगा। टोटल इंटरनेट कनेक्शन हमारे बाल से भी ज्यादा बारीक वायर के अंदर से गुजर रहा है, जो हमें 2, 4, 6, 8, 10 या 20 MB तक भी कनेक्शन सर्विस दे सकती है। कितने MB तक आपको चाहिए हो? उसी एक वायर में से। वायर वाला कनेक्शन तो हो गया मुकम्मल, अब चलते हैं घर। एक तो चाय पानी बने और दूसरा अंदर वाला कनेक्शन भी बहाल करें। अच्छा अली भाई, ये 2 MB ਦਾ ਐਦਾ ਫਾਈਬਰ ਔਰ 2 MB ਦੂਸਰਾ ਬੀਮ ਵਾਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਇਹ। ਕਲੀਅਰ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਸਹੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਮੇਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗਾ, ਤੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੇਂ। ਅਬ ਖੁਦੀ ਸਪੀਡ ਆਏਗੀ, ਆਪ ਵੀ ਪਬਜੀ ਖੇਡਿਆ ਕਰੇ ਬਿਸ਼ੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋ ਆਈਏ। ਅਬ ਮੈਂ ਔਰ ਭਾਈ ਮਾਰਕ ਦੋਨੇ ਪਬਜੀ ਖੇਲਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਜੋਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਤਾ ਹੋਗਾ। देख ले ऐसे होता है। वैसे आपको पता सर, जो सही कनेक्शन होने वाला था ना, वो उधर था उस पॉइंट पे, वो आपने देखा ही नहीं है। सही असल में मजेदार देखने वाला काम वो था, वो मेरे व्लॉग में आएगा, उसमें देख लेना आप। आपके व्लॉग में देख। जो रूटर था लगा हुआ उसके ऊपर इतनी तारों का रश था,
और इतना ज्यादा मतलब इसके ऊपर झंझट होता था। ये वाली लाइट गई तो ये गई, पीछे से सर्विस सप्लायर वालों की लाइट गई तो भी ये इंटरनेट गया। लेकिन अब इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, उनकी लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी लाइट है तो हम इंटरनेट चला सकते हैं। आप भी आ गए देखने के लिए। अरे इस वजह से बचाना चीजों को, ये नई चीजें देखता तो उठा के भाग जाता। मशीन यहाँ पे ऑन होगी और यहाँ पे एक नई चीज है हमारे पास देखने को। ये रूटर का कनेक्शन है जी, सही। ये वायर है जी रूटर की। वायर जो ओपन में वायर है उसके साथ हमें देखने को मेटल वायर मिलती है स्पोर्टिव, और यहाँ पे धागा है काफी स्ट्रांग वाला धागा। ये भी अंदर कनेक्शन से पहले भी एक छोटा सा बॉक्स अटैच होगा और फिर कनेक्शन बनेगा। जी सब बोधी नाम छे तो बोधी नहीं कर, थोड़ी थोड़ी कार आपने कर जाने तू जरा के कार। इस वायर को छीलना भी महारत का काम है। वाह स्लीव, स्लीव नहीं रखी उधर चार लाइन सर है ठीक। अगर तुसी भूल जाओ उधर नीली ला के तो ब्राउन दे विच पा दो ते फिर वायर की कोटिंग उतारी जा रही है। खेल गया दिया दर। बिलाल भाई इस वायर नाल ना सुनारे आंगरे डील करना, लोहार आंगरा नहीं। गोल भी हां जी ना फुल नरम हाथों से करने वाला ये काम है। जरा सी इसके साथ सख्ती की तो ये नहीं आपने वायर वेस्ट की, टूट जाएगी। हरी भी नहीं करती कटा कट गई। ओए होए 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 यार इसको इतना नाजुक ना समझे, ये अच्छी खासी हार्ड किस्म की जो वायर है, वैसे ग्लास टाइप की है, टूटती है। दी दी गैप को गैप को तो नन्हे डे नहीं नहीं गैप होता है बच गैप ना कि तकरीबन गैप होता है कवर कर दो, कवर करती है नाल अटैच कर देना। जीरो तारीफ तो काफी कर रहे हैं, बाकी चला के देखेंगे कि क्या सर्विस आती है हमारे लिए। और जी अब देख के ठीक है सेंटर नहीं नहीं ठीक यार अच्छे ठीक होने कार थल टाक में इधर कार इधर सेंटर पर जा रहे हैं यार। दे तुम होइए गेट। अल्हम्दुलिल्लाह ये कनेक्शन भी मुकम्मल हो गया, अब सिर्फ आगे मॉडेम लगेगा और उसके बाद हम अपने मोबाइल पे इंटरनेट चला सकेंगे। चलो और ये सारी एहतियात इसलिए की जाती है कि अगर इसको हार्ड बैंड आ गया वायर को तो अंदर से कनेक्शन वायर जो है वो टूट जाएगी और सर्विस जो है वो ज़ाया हो जाएगी, इसीलिए इसको जो गोल मोल जो है वो समेटा जा रहा है ताकि इसको हार्ड बैंड ना आए और ये टूटे नहीं।
और ये लग गया रोटर भी और ये इसका हो रहा है कनेक्शन। सिंगल क्लिप कनेक्शन हो गया मुकम्मल। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। ओके अली भाई बहुत शुक्रिया यार। ये था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से आप जरूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में जरूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।